नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में भरमौर में हैं। ये जगह चंबा टाउन से 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कल रात में ही हम यहां पर पहुंचे। अपने रहने के लिए हमने यहां पर हिमाचल टूरिज्म के गेस्ट हाउस में एकोमोडेशन ली। सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, गौरीकुंड होटल, हम यहीं पर रुके। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 2200 यहां पर रूम टैरिफ पड़ा। फिलहाल हिमाचल टूरिज्म 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, यानी 2200 माइनस 40%। टूरिस्ट जो मैक्सिमम यहां पर आते हैं, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मनी महेश यात्रा करना। यात्रा का जो समय होता है वो होता है जन्माष्टमी से यात्रा शुरू होती है और राधा अष्टमी तक चलती है। तो मेन यात्रा यहां पर 16 दिन की होती है, फिर तो एक महीने तक चलती रहती है। हिमाचल टूरिज्म का जहां पे गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस के बाहर ही ये बड़ा सा जो खाली लैंड है ना, ये हेलीपैड है। तो यात्रा के दौरान यहां पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज चलती है, जो यहां से हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है और गौरीकुंड तक जाता है। तो जाने का और वापस आने का 5700 रुपये चार्ज लगता है एक आदमी का, यात्रा के दिनों पे जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलती है। चलिए अब हम यहां से पैदल नीचे 200 मीटर चलते हैं, 84 मंदिर जाते हैं, फिर आगे हम भरमौर आपको हम भी घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम 84 मंदिर पहुंच चुके हैं। ये स्थान आदिकाल से पूजनीय है। टेम्पल की जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, 7th सेंचुरी में राजा मेरुवर्मन द्वारा की गई। इस समय जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, मैं यमराज मंदिर के मुख्य पुजारी जी की बात कर रहा हूँ, वो अवेलेबल नहीं हैं। उनके बेटे करण हमारे साथ हैं। करण, आप हमें मंदिर के बारे में कुछ बता भी दीजिए और हमें एक बार अच्छे से दिखा भी दीजिए। ये प्राचीन मनी महेश मंदिर है। 7th सेंचुरी में यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है। इस स्थान का नाम 84 मंदिर इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर 84 टेम्पल्स हैं। ऐसी मान्यता है, यहाँ पर भगवान शिव आए थे और एक रात रुके थे। ये धनराज जी का मंदिर है, ऑल वर्ल्ड में भ्रमर स्थान में है। जैसे ब्रह्मा जी का पुष्कर में है, वैसे ही भरमौर में धनराज जी का मंदिर है। जैसे कि धनराज जी के सामने ये चित्रकूट महाराज जी का मंदिर है। जो आत्मी श्री छोड़ता है, ऐसा मान्यता है कि वो यहीं पे आता है। ये चार वेद हैं, जिस तरह से बंदे ने कर्म किए हैं उसी तरह दरवाजे खुलेंगे जी। जैसे कि आपको चित्रगुप्त के बारे में बताया, जैसे चार वेद, एक वेद ऐसा है स्वर्ग की सीढ़ियाँ। ये जैसे कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है, दो पूरी बताते हैं एक आधी, ये स्वर्ग की सीढ़ी मानी जाती है। ठीक चित्रकूट महाराज जी के सामने विष्णु भगवान जी का मंदिर है, जो कि नरसिंह अवतार में है। मनी महेश यात्रा करने के लिए यात्री यहाँ पे जब आते हैं तो सबसे पहले 84 मंदिर के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से भरमानी माता के दर्शन करने जाते हैं। अगर आप ट्रैक करके जाओगे तो 2.5 किलोमीटर, बाय रोड जाओगे तो 6 किलोमीटर, रास्ता स्टीप है। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भरमानी माता के मंदिर, तो हमारी जो गाड़ी है वो इतना स्टीप नहीं चल सकेगी, तो हमने यहाँ पे लोकल बोलेरो हायर की है। तो जाने के और वापस आने के 1000 रुपीज़ चार्ज है। तो ड्राइवर को फ़ोन करके हम बोलते हैं यहाँ पर आ जाए, फिर हम आगे भरमानी माता मंदिर को जाते हैं। धन्यवाद। भरमानी माता को रास्ता इतना स्टीप है कि अगर कोई पहाड़ी ड्राइवर ना हो तो बहुत मुश्किल है गाड़ी चढ़ा पाना, और ये बोलेरो है जो चढ़ रही है, वरना कोई दूसरी गाड़ी के लिए तो वेरी डिफिकल्ट। मंदिर किस तरफ है? अच्छा, आधा किलोमीटर। अभी हम पैदल जाएंगे। तो जब भी यहाँ पे मनी महेश यात्रा होती है और आप लोग सवारी शेयर में ऊपर लेकर आते हो, तब क्या चार्ज लेते हो? चार्ज 100 रुपये पर बंदा। यहाँ लाने का 100 रुपये पर पर्सन। ठीक है, आओ चलते हैं।
सर, महानता कुछ इस प्रकार से है कि माता नीचे भरमौर में रहती थी पहले, तो क्या हुआ कि एक दिन शंकर भगवान आए थे, वो जा रहे थे मणिमेश कैलाश पर्वत पे, तो क्या हुआ कि उनको नीचे रुकने के लिए स्थान अच्छा लगा था, तो माता ऊपर भ्रमण के लिए आई हुई थी। जब माता ने नीचे देखा कि भाई मेरी जगह पे धुएं लगे हुए हैं, तो यहाँ कौन आया होगा, तो माता ने नीचे जाके पूछा कि आप कौन हो और मेरी जगह पे क्या कर रहे हो। तो फिर तब शंकर भगवान ने बताया कि माता जी, हम साधु हैं और मणिमेश कैलाश पे जा रहे हैं, तो हमें एक दिन के लिए रुकने का स्थान चाहिए। तो माता ने एक दिन के लिए रुकने का स्थान दिया। तो जब सवेर हुई तो शिव जी के साथ जो उनके चेले थे, सिद्ध थे, शिव जी ने उनको वहीं पर स्थापित कर दिया हुआ था। तो माता क्रोधित हुई, माता ने पूछा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने तो इनको यहीं पे स्थापित कर दिया, अब तो बोला ये मेरे रहने लायक स्थान बचा नहीं, तो बोला अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो फिर शंकर भगवान ने माता को वरदान दिया था कि माता आपने जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन आने वाले टाइम में जब मणिमेश की यात्रा स्टार्ट होगी, पहले आपके दर्शन होंगे फिर मेरे दर्शन होंगे, तब यात्रा सफल होगी। इसके लिए यात्री पहले यहाँ पर आते हैं? जी हाँ जी। फिर यहाँ से मणिमहेश की यात्रा करते हैं? हाँ जी। तो यहाँ से जो यात्रा रूट है, पहले हटसर जाना होता है? हाँ जी, यहाँ से भरमौर, भरमौर से 13 किलोमीटर हटसर और 13 किलोमीटर की चढ़ाई। तो ये पूरी यात्रा जो है भरमौर से, ये 4 दिन की है? हाँ जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। जब यात्री यहाँ पर मणिमहेश की यात्रा करने आते हैं, तो सबसे पहले भरमानी माता के दर्शन करते हैं, यहीं पर एक छोटा सा कुंड है, कुंड में स्नान करते हैं, फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से हम 6 से 7 किलोमीटर नीचे भरमौर की ओर जाएंगे। हिमाचल टूरिज्म गेस्ट हाउस में मैंने ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है कि हमारे लिए लंच रेडी करें, उसके बाद हम 13 किलोमीटर आगे हटसर जाएंगे। भरमानी माता मंदिर और भरमौर के बीच में एक जगह है घराड़ू। हमने गाड़ी रोकी है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, अंदर चल के पता लगाते हैं यहाँ पे जो एकोमोडेशन है क्या वो टूरिस्ट के लिए ओपन है या क्लोज्ड है। यहाँ पे रहने की सुविधा के बारे में कुछ बताइए। जी जी, हमारे पास यहाँ रहने के लिए 2 रूम हैं और इसको आप ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं, और जैसे कि एक रूम का चार्जेस जो है वो 800 रुपीज़ है एक सेट का। जी जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर, चारों ओर पहाड़। जी जी, आप देख सकते हैं, ये यहाँ की भरमौर की सबसे सुंदर जगह इसको बोल सकते हैं। आप सामने देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरत पहाड़ी आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी, इसको माउंट कैलाश बोलते हैं। भोलेनाथ की जो दर्शन है आप यहाँ से साक्षात कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। जी जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर। हिमाचल टूरिज्म गेस्ट हाउस हम पहुंच गए, अब हम करेंगे यहाँ पे लंच। सफ़ेद चने, भिंडी, आलू और चावल। रास्ते में जब हम फॉरेस्ट गेस्ट हाउस रुके थे ना, मेरे को वहाँ जाके वाकई ऐसा लग रहा था कि नाइट स्टे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पहुँच के हमें पता लगा कि 2-2 महीने की वेटिंग चलती है, मतलब आपको अगर वहाँ रुकना है तो 2-2.5 महीने पहले बुक करना होगा। जगह अच्छी थी। चलो जी, लंच करते हैं, फिर हम यहां से हटसर को निकलेंगे। ठीक है, सिंपल फूड है, तो अगर आप यहां पर आएंगे, स्टाफ को जो बनाने को बोलेंगे वो लोग बना देंगे। मेन बात यह है कि फ्रेश है, तो आपके लिए ही कस्टमाइज ढंग से ये लोग फूड तैयार करते हैं। चलो जी, आपको कुछ देर में हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, और जो हमारे गाड़ी वाले भैया हैं वो अपने घर में लंच करने गए हैं, कुछ देर में वो भी आ जाएंगे। अंकुश, हटसर पहुंचने में कितना देर लगेगी? आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा? कितना, 13 किलोमीटर? 13 किलोमीटर। चलो जी, गाड़ी घुमा लो। लो जी, हटसर हम पहुंच चुके हैं। हटसर जो गांव है वहां से हम आधा किलोमीटर और आगे आए,
और हम ऐसी जगह आ गए हैं, चारों तरफ पहाड़, सामने जो झरने का पानी आ रहा है, मनी महेश जो लेक है वहाँ से ये पानी आ रहा है, और कितना अच्छा लग रहा है, वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। पूरी तरह से अनएक्सप्लोर्ड रीजन है ये। ये जो आप कच्चा सा रास्ता देख रहे हो सामने, आप यहाँ से चलते जाओ आगे, ठीक है, तो ये रास्ता मनी महेश को जाता है, 13 किलोमीटर का ये टोटल जर्नी है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ बुद्धल नदी भी है ना? बुद्धल नदी सर नीचे है। कितना दूर? थोड़ी दूर है, 1 किलोमीटर। यहाँ से 1 किलोमीटर नदी तक जा सकते हैं पैदल या गाड़ी पे? गाड़ी पे, ऊपर से दिख जाएगी नदी। दिखेगी? चलो चलते हैं। लो जी, हम बुद्धल नदी के पास पहुंच चुके हैं। इस समय हम इस लोहे के ब्रिज को पार करके इधर आए, यहाँ से हम सामने बुद्धल नदी का नज़ारा देख रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अंकुश, ये नदी कहाँ से आ रही है? ये सर कुक्ती से आ रही है, ऊपर से। कुक्ती से? जी। कुक्ती यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू कुक्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आगे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है, तो अगर हमको लाहौल स्पीति यहाँ से जाना है तो हम कुक्ती तक बाय रोड जाएँ और आगे ट्रैक करें। कितने दिन का? तीन दिन। वाह सही है, मज़ा आ गया यहाँ पर आके, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता मेरे को कितनी खुशी हो रही है इस जगह देखकर। सो ब्यूटीफुल, कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड, हमारे सिवा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। मज़ा आ गया। अगर आप आएंगे भरमौर तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए, घंटा दो घंटा यहाँ पर बिताइए। पैदल चलकर आप जहाँ पर वो लोग आ रहे हैं ना वहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ पर आराम से बैठिए, इस नज़ारे को देखिए। आप कितना देर भी यहाँ पर बैठोगे ना आपका मन नहीं भरेगा, ये बात तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। क्या हवा में ताजगी है, वर्ड्स खत्म है जगह को अप्रिशिएट करने के लिए, और शब्द ही नहीं है। सही है अंकुश, अच्छा हो गया यार आप लोग, आप हमें यहाँ पर लेकर आए। थोड़ा अगर समय और होता ना तो हम लोग कुक्ती भी जाते, लेकिन हम लोग को आगे अभी चंपा जाना है। 15-20 मिनट और यहाँ पर रुकेंगे, फिर हम भरमौर, भरमौर से चंपा। बुद्धल नदी से हम 0.5 किलोमीटर रिटर्न हडसड मार्केट की ओर आए। यहाँ पर टूरिस्ट तो कोई भी नहीं है, कुछ लोकल्स ज़रूर दिखाई दे रहे हैं रोड पर, लेकिन वो भी काफ़ी कम। ये सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर जाएंगे 1 किलोमीटर, तो वहाँ से वो रास्ता मैंने आपको दिखाया था, दोनों आपस में मिल जाएंगे और मनी महेश की आप 13 किलोमीटर की ये यात्रा कर सकते हैं। एक दिन में आप ये यात्रा कर सकते हैं यहाँ से लेके मनी महेश तक जाने की, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है। आप यहाँ के लोकल हो तो एक दिन में पहुंच सकते हैं? एक दिन में आना जाना भी हो जाता है, पर बंदा चलने वाला होना। 13 किलोमीटर जाना और 13 वापस आना? जी एक दिन में, पर सुबह जल्दी निकले तो टाइम। अच्छा वो आप लोग कर सकते हो क्योंकि आपका स्टैमिना अच्छा है, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बिना पहाड़ी बंदोबस्त होती है। चलो बढ़िया, अब हम यहाँ से चलते हैं भरमौर के लिए। हमने ना अभी गाड़ी रोकी है। भैया एक बात बताओ, आपका घर कहाँ पर है? यहाँ से 60 किलोमीटर चंबा है, चंबा से 100 किलोमीटर आगे है। 160 किलोमीटर दूर आपका घर है। भेड़ बकरी चलाते चलाते आप यहाँ तक आ गए हो? हाँ जी। तो रात को कहाँ रहते हो? जहाँ पर रात हो गई वहाँ पर रहते हैं। नहीं कहाँ रहते हो, यहाँ तो कोई जगह नहीं है रहने को? जंगल में नहीं रहते हैं। हाँ। सड़क में रहते हैं, जहाँ पर खुली सड़क हो वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे रोड पे? हाँ जी। तो इतनी सारी भेड़ ऐसे साइड में रहेगा? हाँ जी। आपको जाना कहाँ पर है? पंजाब जाना है। किधर? तलवाड़ा से 30 किलोमीटर नीचे जाना है कमाई देवी। कितना समय पहुंचने में लगेगा? 1 महीना। तो 1 महीना तक ऐसे आप रोड पे चलते रहोगे? हाँ जी। बड़ी यार हिम्मत है। कितने लोग हैं आपके साथ? हम 3। अभी यहाँ पे तो आप अकेले हो? यहाँ पर अकेला हूँ, भेड़ ऊपर है ना, ऊपर से भेड़ आएगा यहाँ को, यहाँ से फिर 3 आदमी हो जाएंगे, 300 भेड़ है ऊपर। 300 भेड़ ऊपर है? हाँ जी। सब मिलाकर आप 3 लोग हो जो 300 भेड़ को लेकर चले गए चलोगे। मैं जो आपकी बात से समझाऊँ, सर्दी के समय आप नीचे चले जाते हो पंजाब? हाँ जी। जी गर्मी के समय ऊपर आ जाते हो? हाँ जी। और अपने घर साल में कितने महीने रहते हो? घर में कितने महीने रहना है, ऐसे ही जंगल में रहते हैं। मतलब पूरा साल घूमते रहते हो? हाँ जी, जी। हिम्मत है यार आप लोग की, रोड पे ऐसे चलते हैं, रात हो जाती है तो रोड किनारे सो जाते हैं, खाना बनाते हैं। आप लोगों को दाद देनी पड़ेगी हिम्मत की है। तो मेरे मन में एक सवाल ये तो था ही कि आप लोग रुकते कहाँ पर हो, खाना कैसे बनाते हो?
तो खाने के बर्तन आप साथ लेके चलते हो? सब साथ में। अच्छा भैया धन्यवाद, अच्छा लगा आप सबको मिलके, धन्यवाद, बाय। भरमौर से हम 2 किलोमीटर पहले रुक गए हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आधा घंटा लग जाएगा क्लियर होते होते। हम भरमौर पहुंच चुके हैं, हिमाचल टूरिज्म में जो स्टाफ है ना उन्होंने मुझे बोला था अगर आप राजमा लेना चाहते हो तो शास्त्री जी से ले लेना, तो अंदर चल के इनसे राजमा की बात करते हैं। इस पैकेट में कितना है? किलो है। 1 किलो 1 kg क्या रेट है? 150 रुपये किलो। तो ये आप हमारे को 4 किलो दे दो। अच्छा अंकुश बाय बाय, नमस्ते। यहाँ से हमको कितना समय लगेगा चंबा पहुँचने में? चंबा पहुँचने में 3 घंटे लगेगा। 3 घंटा ठीक है, अब हम अपनी गाड़ी में यहाँ से जा रहे हैं आगे, बाय बाय। रात के 9 बजे हम चंबा पहुंच चुके हैं, इस समय आप देखिए नज़दीक की पूरी मार्केट बंद है। हम यहाँ पे ना एक ढाबे के बाहर खड़े हैं, ये ढाबा लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ ही है, तो इनसे हमने ना 2 घंटे पहले जब वहाँ से चले थे फ़ोन पे संपर्क बनाया था कि हमें यहाँ पे डिनर करना है, तो इन्होंने हमारे लिए कुछ तो रेडी किया है। पूछते हैं भाई साहब कुछ तैयार किया आपने डिनर में? चलो बढ़िया। लो जी फूड सर्व हो चुका है, मदरा 1 मदरा 2 मतलब एक राजमा का मदरा, एक चने का मदरा, चाशनी, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंग दाल, माँ की दाल, कड़ी, साथ में राइस। जब भी आप हिमाचल प्रदेश आएंगे और आप धाम खाना चाहते हैं तो चपाती नहीं रहती, राइस रहता, तो आई एम ओके राइस खाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी धाम का जिक्र होगा हिमाचल प्रदेश में तो उसमें आपको प्याज, लहसुन और टमाटर नहीं मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से जब से हम हिमाचल प्रदेश में हैं मैं नोटिस कर रहा हूँ जो गरम मसाले के जो फ्लेवर्स आते हैं ना यहाँ पर वो लाजवाब होते हैं। ये चीज़ मैं हर चीज़ में नोटिस कर रहा हूँ और यहाँ पर चने के मदरे में भी नोटिस कर रहा हूँ, जैसे दालचीनी का फ्लेवर, इलायची का फ्लेवर, वेरी टेस्टी। अच्छा मदरा बनाया, टेस्टी है, अगेन लोडेड विद घी, गोज विदाउट सेइंग, और घी इतना ज़्यादा है इसके अंदर कि आपको खाते समय महसूस होता है पूरी टंग आपकी घी घी हो गया, तो मेरे को पसंद है इस तरह का टेस्ट। देखिए इसको यहाँ पर ना चाशनी बोलते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट के अलावा गुड़ और इमली है, ये हम ऐसे टेस्ट करेंगे। ये कॉम्बिनेशन लाइफ में पहली बार, खट्टा भी है मीठा भी और मल्टीपल ड्राई फ्रूट्स, वाह। कड़ी में ऊपर आप बेसन की सेमियां देख रहे हैं, आज यहां पे डिनर में सबसे ज्यादा जो चीज मैंने एंजॉय करी है ना वो है चने का मदरा और ये खट्टा मीठा टेस्ट चाशनी का। टेस्ट सब हर चीज़ का अच्छा है लेकिन ये दोनों तो मेरे लिए स्टार है। मीठे में हम यहाँ पे 2 चीज़ खा रहे हैं, गेहूं का हलवा और मीठे चावल। ये गेहूं का हलवा को यहाँ पे तरकीरे का हलवा बोलते हैं, इसको बनाने के लिए एक लंबा सा प्रोसेस होता है जिसमें गेहूं को भिगोया जाता है, छिलका बाहर निकाला जाता है और फिर उसको कुछ प्रोसेस फॉलो करके इस तरह से हलवे को तैयार किया जाता है। काफ़ी नया टेस्ट है मेरे लिए, कुछ बार खा के मेरे को इस तरह का टेस्ट डेवलप करना होगा, समथिंग न्यू फॉर मी। मीठे चावल मुझे वैसे पर्सनली बहुत पसंद है। घी की लोडिंग है, चीनी तो है ही और साथ साथ ड्राई फ्रूट्स। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि नज़दीक में हिमाचल टूरिज्म का गेस्ट हाउस है, वहाँ पर हम नाइट स्टे करेंगे। कल मॉर्निंग में हम लोकल चंबा घूमेंगे, फर्स्ट हाफ
फिर खजियार जाएंगे, फिर नाइट से कलम डलहौजी में करेंगे। जो मैंने आपको कल का प्रोग्राम बताया ये आप अगले एपिसोड में देखेंगे। हिमाचल टूरिज्म गेस्ट हाउस जहां हम रुकेंगे वो जगह कैसी है, प्रॉपर्टी कैसी है, सब मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा। ये फिनिश करते हैं और हम आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।